हेलो मेरे दोस्त। तो आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कि ट्रेंडिंग हेयर कटिंग है। तो इस कटिंग का नाम में स्किन फिट हेयर कटिंग है या फिट कटिंग कह सकते हैं आप लोग। एक भाई ने कमेंट किया था जिनका वीडियो आज कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग देखें और आप लोग सीखें कैसे और किस तरीक़े से कटिंग करना है। आप लोग बाल देख ही चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख लें फर्स्ट नंबर कैसे करना है। यहाँ पर इस कोन पर से आप लोग को गोलाई लेना है इस तरीक़ा से, जो कि पहले मशीन से इस तरीके का पहले दागी दे दें यहाँ पे, तो कट कर दें ताकि आप लोग जब भी मशीन चलाएं यहाँ पे स्लोप करें तो यहाँ पे आप लोग का मशीन ऊपर ऊपरी वाला जो बाल है उसको टच ना करे और उसको में दागी ना बन सके और वहाँ पे मिलाने में आप लोग को सुविधा होगा वहाँ पे। तो वीडियो को आप लोग इस तरीके का पूरा वीडियो देखना ताकि आप लोग हर एक स्टेप सीख सकें और देख सकते हैं। वीडियो कहीं भी स्किप मत करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग हर एक स्टेप सीख सकें और कहीं भी कोई तरह दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि हम नेक्स्ट बार जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वहाँ पर आप लोगों का वीडियो पूरा हो सके और आप लोग सीख सकें। तो इस तरीके से आप लोगों को चारों साइड पहले राउंडिंग कर लेना है और नीचे से इस तरीके से बाल को रिमूव कर देना है ट्रिमर से। उसके बाद आप लोग को बताएंगे किस तरीके से करना है। तो इस साइड भी सेम उसी तरीक़े से कोन इस कोन पर से लेना है और आप लोग गोलाई पूरे गोलाई करना है कटिंग को। तो इस चीज़ ध्यान रखेंगे यहीं से लेना है और कटिंग पूरे गोला होना चाहिए, दोनों साइड मिलना चाहिए एकदम लेंथ, ताकि जब गोलाई हो तो फिनिश गोलाई हो और अच्छा लगे देखने में। तो इस तरीके से पहले गोलाई एकदम पूरा होना चाहिए, आप लोग देख लें दोनों साइड से बराबर करके गोलाई पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे बाल मेरा हो चुका है गोलाई, तो इस तरीके से पहले गोलाई कर लेंगे और उसी तरीक़े से इस बाल को भी रिमूव कर देंगे, जो कि निचली जो भाग है बीच का उसको। अब बियर्ड को खास करके आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कान है उसी के बराबर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हम अभी कट किए हैं वहाँ पर रहना चाहिए ताकि आपका कटिंग पूरी फिनिश हो, बियर्ड भी और बाल भी। इस तरीके से रिमूव कर देंगे बाल को। ध्यान दें कि एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए जो भी रिमूव आप कर रहे हैं। देख लें कि पूरे बाल पूरी तरीका से रिमूव होना चाहिए, ताकि एक भी बाल देख अगर छूट जाता है तो बहुत ही गंदा लगेगा देखने में। अब रह गई बात लाइनिंग का, तो आप लोग देखें ध्यान से देखना, यहाँ पे लाइनिंग एकदम सीधा करना है, एक भी बाल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर लाइनिंग होना चाहिए एकदम। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पे अस्तूरा कैसे चलाना है वो भी हम बताएंगे, कि मोटा लाइनिंग नहीं होना चाहिए, एकदम पतला और बराबर होना चाहिए। इस तरीक़े से नहीं कराना चलाना, एकदम सीधा अस्तूरा होना चाहिए यहाँ पे। इस तरीक़े से हम पूरे स्लो काम करके दिखाएं ताकि आप लोग सीख सकें और समझ सकें। और इसके बाद हमको बाल को स्लोप करना है, तो इस चीज़ को भी हम बताएँगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा वीडियो है स्किप करेंगे तो आप लोग को कोई ना कोई स्टेप छूट जाएगा, जो कि बहुत ही दिक्कत होगा आप लोगों को कटिंग करने में और बाल को मिलाने में। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, काम पे खास करके आप लोग ध्यान दें। और यहाँ पे जो कंघी है या क्लिप का प्रयोग कर सकते हैं। लाइनिंग आप देख चुके हैं पूरे कम्प्लीट हो चुका है लाइनिंग, यहाँ पर आप बाल को स्लोप किस तरीके से करना है तो आप लोग यहाँ पर कंघी पर खास करके ध्यान देना और कैंची पे। तो यहाँ पे देख लें कंघी किस तरीके से चलाना है और कंघी किस तरीके से मॉडलिंग करना है ऊपर की ओर, देख लें यहाँ पर इस तरीके से चलाना है आपको कंघी को, जो कि पूरे कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले आप लोग देख लें, उसके बाद आप लोग स्किप करना वीडियो। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो स्किप करना, नहीं तो वीडियो को
पूरा देखना ताकि आप लोग हर एक स्टेप सीख सकें और समझ सकें, ताकि कोई भी कस्टमर को दिक्कत नहीं हो सके। आप लोग देख चुके हैं कि लगभग 70% स्लोप हो चुका है बाल, तो इसमें जो 30% बचा है उसको हम मशीन से करेंगे। तो मशीन से कैसे करना है हम आपको ये बताएंगे। यहाँ पे वीडियो खास कर आप लोग इसकी मत करें, जो छूट चुका है देख रहे हैं, जो कि नहीं मिला है उसको मशीन से हम रिमूव करेंगे और मिलाएंगे उसको, स्लोप करेंगे। तो इसी तरीके से आपको चारों साइड से पहले कर लेना है, सेम कटिंग देना है आपको। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। तो काम कभी भी आप लोग और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, ताकि आप लोगों को हर एक स्टेप समझ आए और सीख पाए। वहाँ पे देख रहे हैं जो कि स्लोप होते हुए जा रहा है, और जहाँ पे जो कि छूट चुका है, जो कि दिख रहा है कि जो नहीं मिला है उसको हम मशीन से कैसे मिलाएंगे आपको ये बताएंगे हम बाद में। उससे पहले दूसरी साइड देख लेते हैं। तीसरी साइड भी आपको लाइनिंग और भी बनाना है, दोनों साइड बराबर कटिंग करना है। इस साइड भी तो लाइनिंग एक एक बाल देख के एकदम बराबर लाइनिंग करना है, एकदम सीधा लाइनिंग देना है यहाँ पे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी आपको अस्तूरा उसी तरीका से चलाना है, जो कि तिरछा अस्तूरा कभी भी नहीं चलाना है, इस तरीका से नहीं चलाना है, एकदम सीधा चलाना है आपको। ताकि जब भी लाइनिंग देते हैं तो यहाँ पे मोटा होने के चांस बहुत ही कम रहता है। और इस तरीका से आप साफ कर दें जो भी एक्स्ट्रा बाल है, ताकि कटिंग में एक चमक आए और एक शाइनिंग आए यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे कि हम अलग तरीका से यहाँ पर स्लोप करेंगे इस साइड, जो कि उस दूसरी साइड जो है हम अलग तरीका से किए थे, और इस साइड इस कोना प्रेस करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखें, खास करके ध्यान देना यहाँ पे हम किस तरीके से कर रहे हैं, जो कि यहाँ से उठाएंगे हम। यहाँ पे भी कंघी पे आप लोग ध्यान दें किस तरीके से हम कंघी को उठा रहे हैं तिरछा में, ऊपर की और स्लोप में ले रहे हैं। देखिए बाल एकदम लगभग इस साइड तो लगभग 80% बाल मिल चुका है, स्लोप हो चुका है। और इसको जो बच चुका है उसको हम मशीन से रिमूव करेंगे, जो कि जल्द ही बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पे भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करेंगे तो लगभग 10-12 सेकंड आगे चले जाएंगे आप, तो ये स्टेप आपको छूट सकता है। तो यहाँ पे भी आप लोग गोलाई पे ध्यान देंगे, जो कि मिलना चाहिए गोलाई। अगर आप लोग भी कटिंग देखना चाहते हैं, एक भाई ने कमेंट किया था, उसका भी कटिंग कंप्लीट हो चुका है, जो कि कल अपलोड होगा शाम को या परसों सुबह में हो जाएगा। आप ये आपका हो चुका है, यहाँ पर देखेंगे जो कि मशीन है, मशीन को दांत थोड़ा सा पीछे कर दिए हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से करना है। यहाँ पे आप लोगों को देख लें, खाली जगह बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको यहाँ पर दाब के नहीं चलाना है, स्लोप में चलाना है मशीन को ऊपर की ओर। यहाँ पर आप लोग खास कर आप ध्यान देंगे, नज़दीक करके हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए बाल मिल चुका है यहाँ पे, पूरे 100% बाल मिल चुका है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और इस चीज़ को आप लोग ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है आप लोग को, कि किस तरीके से यहाँ से मिलाना है। तो आप लोग को प्लीज़ अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, खासकर सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, ताकि आप लोग को हर एक वीडियो मिल सके देखने को और सीखने को, खास करके ताकि आप लोग को जो कटिंग नहीं आता हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम उस वीडियो को डालें और आप लोग तक पहुंचे, आप लोग सीखें। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ में लाइक प्लीज़ आप लोग लाइक भी करना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग देखें सीखें। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बच चुका है, जो नहीं मिला है इसको भी रिमूव कर देंगे इस तरीके से ऊपर की ओर स्लोप करते हुए। उसके बाद यहाँ पे कोना एक कोन देना है वी शेप में, इसको भी देख लें, अस्तूरा देना है यहाँ पर।
तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। एक भी सेप यहाँ पे हो चुका है। अब रह गई बात ऊपर का बाल कैसे मिलाना है, तो उसको हम बताएंगे आपको। पहले देख लें चारों साइड कि छूटा तो नहीं है कहीं पे। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया हो तो। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो अब ऊपर के बाल को कैसे काटना है, और ताकि ऊपर का बाल बराबर दिखे और ऊपर की ओर बाल खड़े रहे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। तो बालों कभी भी कटिंग करें तो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। और इसके बाद जितना कटिंग काटना है कस्टमर के अनुकूल आप काट सकते हैं, जितना भी छोटा करना है। और जो बाल हम काट चुके हैं उसके अनुकूल काटना है, उसके एकदम बराबर, क्योंकि बाल को खड़ा रखना है, ऊपर की ओर रखना है बाल को। और पीछे जो बाल लटक जाता है वो भी बहुत ही गंदा लगता है देखने में, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान देखें से देखेंगे। यहाँ पे भी स्किप मत करना आप लोग, क्योंकि पीछे जब बाल जब खड़ा करते हैं तो पीछे लटक जाता है, जो कि लटकना नहीं चाहिए, एकदम बराबर दिखना चाहिए, पीछे से गोलाई होना चाहिए। तो वहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, स्किप मत करना। तो आप लोग अब ध्यान देना यहाँ पे, खास करके जो भी पीछे वाला आप बताएंगे कटिंग कैसे करना है पीछे का और मिलाना कैसे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिंगर पे खास करके ध्यान देना, किस तरीके से स्लोप कर रहे हैं फिंगर को और फिंगर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं, ताकि बाल जब भी ऊपर हम करें तो बाल एक भी लटके नहीं, बाल पीछे की ओर और बराबर दिखे। तो आप लोग फाइनल कटिंग देख सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन, ताकि आप लोग को जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग पास पहुंचे, आप लोग सीखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और साथ में सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो चैनल को। अब आप लोग बताएँ कैसा लगा वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना।